उत्तराखंड क्रांति दल के देहरादून स्थित केंद्रीय कार्यालय में दो दिवसीय महाधिवेशन शुरू होने से पहले ही हंगामा हो गया और देखते ही देखते यूकेडी का कार्यालय युद्ध के अखाड़े में तब्दील हो गया। दल में चल रही अंदरूनी गुटबाजी और वर्चस्व की लड़ाई इतनी हावी हो गई है कि एक गुट कार्यालय के बाहर था तो दूसरा गुट कार्यालय के अंदर। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद दोनों ओर से जमकर गाली गलौज और हाथापाई की गई। हंगामे के बीच यूकेडी कार्यालय में तोड़फोड़ के साथ गेट पर लगे बैनर पोस्टर भी फाड़ दिए गए। वहीं मामला बढ़ता देख पुलिस ने यूकेडी ऑफिस को खाली करवाने का काम किया। यूकेडी नेता किरण कश्यप का कहना है कि दल में कुछ बाहरी नेता आकर पार्टी में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं और पार्टी कार्यालय में भी उनके द्वारा तोड़फोड़ की गई है, जिस पर अब कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है। देखिए, ये जो पार्टी कार्यालय में आज हंगामा हुआ है, ये कोई आज का नहीं है, ये कल का हंगामा किया हुआ नहीं है। पिछले अगर दो साल की बात करें, इस दो साल से जब से एक साल से शिव प्रसाद सेमवाल इस दल में आया है। आप लोग ये पत्रकार हो, आप लोग भली बातें जानते हो कि क्या पार्टी में वो करता रहा है, और अब जो पिछले दो साल के आया हुआ उसको यूकेडी का अध्यक्ष बनना है। इसके लिए जो इस तरीके की इन्होंने हरकतें आज कार्यालय में की है, कार्यालय में ताला लगा के किराए के मजदूरों को बुलाकर यहाँ पर बिठाया गया है, और सबसे बड़ी बात जिसकी मैं घोर निंदा करती हूँ, ये आदमी आज दिन तक सिर्फ महिलाओं पर राजनीति करते आया है। जब भी इसे जरूरत होती चार महिलाओं को आगे खड़ा करता है कि जाओ मेरे लिए लड़ो। आज भी अंदर महिलाएं बिठा रखी थी कि कोई भी आएगा तो तुम जाके मार पिटाई करना। क्या महिलाओं का इस्तेमाल इस तरीके से होता रहेगा? वहीं दूसरे गुट के नेता शिव प्रसाद सेमवाल का कहना है कि हम पार्टी के हितों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पार्टी की गतिविधियां हो रही हैं हम उसके खिलाफ हैं, और आज मामले को शांत करवाया जा रहा है और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश होगी। आज अधिवेशन था लेकिन हंगामे की वजह से वह नहीं हो पाया है। देखो, ये राजनीतिक पार्टी है और कार्यकर्ताओं की बर्खास्तगी और वापसी होती रहती है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई ऐसा मतलब अलग से कोई बात नहीं है। और अभी आज क्योंकि केंद्रीय कार्यकारिणी ने ये तय किया था कि 24-25 जुलाई को हमारा अधिवेशन होगा, और इसी के अनुपालन में जो है ये अधिवेशन आयोजित किया गया था। और अभी केंद्रीय अध्यक्ष जो है उत्तराखंड क्रांति दल के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं, और जल्दी ही जो आगे निर्णय होगा वो लिया जाएगा। उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर बना उत्तराखंड क्रांति दल आज गुटबाजी में बढ़ चुका है। प्रदेश में अस्तित्व की तलाश कर रही यूकेडी में वर्चस्व की लड़ाई सड़कों पर आ चुकी है, जहां केंद्रीय कार्यालय में तोड़फोड़ के साथ ही बैनर पोस्टर भी फाड़े गए हैं। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।